तो दोस्तों एशियन गेम 2023 का ये 19वां सीजन खेला जाने वाला है। ये सीजन में भारत के मेंस टीम पहली बार खेलते हुए नजर आएगी। तो इस एशियन गेम के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय स्क्वाड की अनाउंसमेंट की गई है। तो हम इस वीडियो में भारत के 15 सदस्यीय स्क्वाड के बारे में बताने वाले हैं, कौन कौन से खिलाड़ी को एशियन गेम के लिए मौका दिया गया। तो आज के इस वीडियो में आपको ये सभी जानकारी देने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहे। तो आप भी एशियन क्रिकेट के बड़े वाले फैन, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप क्रिकेट से जुड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो में बढ़ते आगे, एशियन गेम 2023 की शुरुआत हमें 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच एशियन गेम देखने को मिलने वाला है। ये एशियन गेम हमें चाइना के होंगजोंग शहर में देखने को मिलने वाला है। तो इस एशियन गेम के लिए भारत की 15 सदस्यीय स्क्वाड के बारे में बात करो तो इस स्क्वाड में कुल 5 प्रॉपर बल्लेबाज रहने वाले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ये 5 बल्लेबाज रहने वाले एशियन गेम के स्क्वाड में देखने को मिलने वाले हैं। कुल 2 विकेट कीपर एशियन गेम के लिए रहने वाले जितेश शर्मा और पप सिमरन सिंह, ये 2 विकेट कीपर साथ एशियन गेम के भारत में स्क्वाड में देखने को मिलने वाले। इसके अलावा एशियन गेम के स्क्वाड में कुल 3 ऑलराउंडर रहने वाले वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, सीएम दुबे, ये 3 ऑलराउंडर साथ एशियन गेम के स्क्वाड में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा कुल 5 प्रॉपर गेंदबाज की तरफ एशियन गेम में भारतीय टीम जाने वाली है। रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदी सिंह, मुकेश कुमार, सीएम अभी, ये 5 गेंदबाज साथ एशियन गेम में भारतीय टीम के स्क्वाड में देखने को मिलने वाली है। ये थी भारतीय टीम की 15 सदस्यीय स्क्वाड। इसके अलावा स्टैंड बाय के प्लेयर के तौर पर हमें यश ठाकुर देखने को मिल जाएंगे, साईं किशन देखने को मिल जाएंगे, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, साई सुदर्शन, ये 5 खिलाड़ी ने स्टैंड बाय के प्लेयर के तौर पर देखने को मिलने वाले हैं। कोई आपको क्या लगता है, एशियन गेम में भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीत सकती है क्या नहीं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वही आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।